राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ईशु गुजर और आप देख रहे हैं ब्रदर फिटनेस। आज हम वर्कआउट जो करने वाले वो है फुल बॉडी वर्कआउट, बिना किसी जिम के घर पे रहते हुए। क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि भाई जिम ओपन नहीं है, सो क्या वर्कआउट करे घर पे रहते हुए। सो बहुत से लोग परेशान है कि क्या वर्कआउट करे क्या ना वर्कआउट करे। सो जो आज हम एक्सरसाइज लगाएंगे ना, एक्सरसाइज तो नॉर्मल है, बट उनमें हमने छोटे छोटे चेंज लाने की कोशिश की है, जिससे वर्कआउट और इफेक्टिव हो गया और रिजल्ट मिलेंगे आपको बेस्ट। सो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ट्राई करें वर्कआउट। अगर वर्कआउट अच्छा लगे तो सपोर्ट करो अपने भाई को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से वर्कआउट हैं और कैसे कैसे करने हैं और कितने कितने रेपिटेशन करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, जो हमारा मेन वर्कआउट है, उससे पहले हमें वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। सो आज हम दिखाते हैं आपको वार्म अप में आपको क्या क्या करना है। तीन मूवमेंट है, 50-50 रेपिटेशन है। फर्स्ट मूवमेंट देखिए, जंप। ठीक है, अगर आपके पास स्कीपिंग है तो आप स्कीपिंग से कर सकते हैं 50 जंप। ठीक है, सेकेंड मूवमेंट है हाई नीज, उसके भी आपको सेकेंड मूवमेंट के 50 रेपिटेशन करने हैं। ऐसे देखिए, ठीक है, इसके भी आपको 50 रेपिटेशन करने हैं। अभी थर्ड मूवमेंट है जंपिंग जैक। ठीक है, इसमें आपकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी और जॉइंट्स भी खुल जाएंगे। ठीक है, ये थी तीन मूवमेंट जिनके आपको लगाने 50-50 रेपिटेशन। अब चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। जो हमारा है फर्स्ट मूवमेंट वर्कआउट के लिए, वो है हम लगाएंगे पुशअप्स, जिसमें हम लगाएंगे 20 रेपिटेशन। इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाना है और कैसे कैसे करना है। अभी देखिए फर्स्ट मूवमेंट पुशअप्स, जो अभी मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा चेंज है, वो देखिए क्या चेंज है। पोजीशन में आए, ठीक है, नीचे गए, नीचे आपको 1 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, ऊपर आए, ऊपर आपको होल्ड नहीं करना है। ये देखिए, नीचे 1 सेकंड होल्ड किया, आप वापस, नीचे 1 सेकंड होल्ड किया, वापस, 1 सेकंड होल्ड, आप। ठीक है, ये छोटा सा चेंज है, ऐसे ही आपको 20 रेपिटेशन करने हैं। ठीक है, ये थी फर्स्ट मूवमेंट। अभी चलते हैं सेकंड मूवमेंट की तरफ। अभी देखिए सेकंड वर्कआउट, जो हम चारपाई की हेल्प से लगाएंगे बैक के लिए, जो हम अपनी बैक चौड़ी करते हैं ना, उसके लिए वर्कआउट है। ये देखिए छोटा सा चेंज है, सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे हम चिन अप्स लगाते हैं वही है, बट थोड़ा सा चेंज है। ट्राई करें आप भी यही चेंज करने की। ये देखिए क्या क्या करना है, आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, मैं चारपाई का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे आप पकड़ के होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ऊपर गए, होल्ड किया, बीच में होल्ड किया एंड पूरा नीचे आए। ठीक है, आप होल्ड किया, बीच में होल्ड किया एंड डाउन। ठीक है, ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज, इसके आपको लगाने हैं 10 रेपिटेशन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी देखिए हमारी थर्ड मूवमेंट, जो हमारी लोअर बॉडी के लिए, लेग्स के लिए, उसमें भी एक छोटा सा चेंज है, सिंपल स्क्वाट्स करने हैं, बट छोटा सा चेंज है, वो देखिए क्या करना है। आप गए स्क्वाट्स में, ठीक है, आपको आधा उठना है, फिर वापस नीचे एंड पूरा ऊपर। ठीक है, ये आपकी 1 रेपिटेशन है। ये देखिए दोबारा, नीचे गए, आधा ऊपर आए, फिर वापस नीचे एंड अप। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 रेपिटेशन करने। ये देखिए कंटिन्यू, मैं आपको 2 से 3 रेपिटेशन दिखा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं डोलो की एक्सरसाइज, जिसमें हम पहले लगाएंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे हम लगाते आए, बस थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है। ये देखिए पहले नॉर्मल देख लिए कैसे लगाते हैं आप, जैसे नॉर्मल लगाते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी एक क्या गलती करते, जो हमारा शोल्डर है उसका ध्यान नहीं रखते और नीचे जाए जाते हैं, जितना आपसे जाया जाता है उतना नहीं जाना, जितने में आपका शोल्डर पे इंजरी आए उतना ही आपको नीचे जाना है, जिसमें आपका शोल्डर सेफ रहे। और ध्यान रखे इसमें आपको चेस्ट अप करनी है और ऐसे स्लो जाना है नीचे। ठीक है, एंड अप। इसमें आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अपने बेड की जो ये
इसके आगे का हिस्सा है, उस पर बैठ के यूज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसमें चेंज क्या है। सो चेंज, छोटा सा चेंज है ये देखिए, और हाथ आपको जितने आपके हिप्स हैं ना उसके जस्ट साइड में प्लेस करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ पे प्लेस करने हैं कहाँ पे नहीं, ठीक है। ये देखिए चेस्ट आपकी आराम से गई नीचे, ठीक है, जितना आप जा सकते हैं, आधा ऊपर आए वापस नीचे एंड पूरा ऊपर, ठीक है। ये आपकी एक रेपिटेशन है, और ध्यान रखें ऐसे झटका नहीं मारना है, ठीक है। स्लो गए, हाफ ऊपर आए, पूरा नीचे गए एंड अप, ठीक है। ये बात हो गई ट्राइसेप्स की, ठीक है। अब बात करेंगे बाइसेप्स की। अब टावल ले ली है तो टावल से ही वर्कआउट करेंगे बाइसेप्स का। काफी लोगों को परेशानी हो रही है कि बाइसेप्स का क्या वर्कआउट करें, क्योंकि डोले सबके फेवरेट है, सबको चाहिए। सो सिंपल और बेस्ट एक्सरसाइज है ये देखिए, जैसे प्रीचर कर लगाते हैं वैसे ही लगाना है। सिंपल किसी भी चीज पे बैठ जाना है, ऐसे हाथ प्लेस करने हैं। क्या है ना, माइंड कनेक्शन होना जरूरी है। अगर माइंड कनेक्शन नहीं होगा तो 100 किलो भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और माइंड कनेक्शन होगा ना तो ये टावल आपको इतने रिजल्ट दे देगी जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, टावल को टाइट पकड़ लेना है, चेस्ट अप करनी है, लोअर बैक सीधी हो जाएगी, ठीक है। नीचे जाना है, टाइट मसल्स टाइट रखें, और मसल कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। स्लो ऊपर आना है, होल्ड करना है एंड वापस नीचे, ठीक है, वापस ऊपर। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 10 से 12 रेपिटेशन ट्राई करेंगे ना इसके, तो आप इतना फील महसूस करेंगे ना अपने बाइसेप्स में जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। इसकी आपको 10 से 12 रेपिटेशन ट्राई करने हैं, और जो ट्राइसेप्स वाली मूवमेंट थी उसके आपको करने हैं 20 रेपिटेशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है शोल्डर का एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं शोल्डर और ट्रैप का। ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि ये वैसे ही टफ एक्सरसाइज है। सो इसको और टफ बना देंगे तो काफ़ी लोगों से होगी नहीं। सो सिंपल एक्सरसाइज है, ट्राई करें। और मैंने कोशिश की है कि सारे वर्कआउट्स बिना इक्विपमेंट के हो, क्योंकि सबके पास तो इक्विपमेंट है नहीं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। सो मैंने कोशिश की है कि सारी वर्कआउट बिना इक्विपमेंट के हो। सो चलिए बात करते हैं इस वर्कआउट की। इसमें आपको करना क्या है, आपको किसी भी टेबल चेयर कुछ भी यूज कर सकते हो आप। सो मैं यहाँ पे जो मेरी बेड है उसका यूज कर रहा हूँ। करना क्या है, वी अप्स लगाने, जो हम शोल्डर के लिए एक्सरसाइज लगाते हैं, इसको आप वी पुशअप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर आपको पैर प्लेस करने हैं, टोज रखने हैं, ठीक है, ऐसे रहना है और सीधा नीचे जाना है एंड अप, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज है बट इफेक्टिव बहुत है। इसके आपको लगाने 20 रेपिटेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि हमारा कोर का वर्कआउट। अगर हम फुल बॉडी वर्कआउट की बात करते हैं और कोर को ट्रेन नहीं करते, सो वो वर्कआउट कंप्लीट ही नहीं होता है बिना कोर के। सो कोर के लिए हम लगाएंगे सिंपल प्लैंक, क्योंकि क्या है ना, प्लैंक एक ऐसा वर्कआउट है जो कोर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, और माना किया जाता है हैवी। चलिए कोर के लिए हम लगाते हैं प्लैंक। इसको आपको लगाना है 1 मिनट के लिए, ठीक है। मूवमेंट मैंने आपको बताई हुई है, वीडियो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर बनाई हुई है कि आप प्लैंक कैसे लगा सकते हैं। तो ठीक है, अब सिंपल हम प्लैंक लगाते हैं। ये देखिए प्लैंक वर्कआउट, सिंपल मूवमेंट मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, ये भी सिंपल है, क्योंकि इतना पूरा वर्कआउट करके आएंगे, सर्किट करके आएंगे, सो कोर के लिए उतनी स्ट्रेंथ बच नहीं पाएगी। सो इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल आपको 1 मिनट का प्लैंक लगाना है। और जो ये पूरी मूवमेंट्स बताई है ना मैंने, ये आपका 1 राउंड है, ऐसे ही आपको 5 राउंड लगाने हैं, ठीक है। सिंपल वर्कआउट है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप अचीव भी कर पाएंगे गोल्स को घर पर रहते हुए। क्या है ना कि
महीनों से जिम तो बंद है, तो वर्कआउट कर नहीं पा रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपको मोटिवेट करता रहूँ कि आप वर्कआउट भी कर पाए और अपने गोल्स भी अचीव कर पाए। सो अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।